हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वर मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको डाउन पेमेंट और ईएमआई बताने वाला हूं अपनी बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क वेरिएंट की। इस बाइक का आपको पूरा क्राइटेरिया मिलने वाला है आज की वीडियो में, मतलब डाउन पेमेंट मिनिमम कितनी कर सकते हैं और कितना हफ्ता कितने में लगेगा, मतलब एक साल में कितने का हफ्ता लगेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इंटरेस्ट कितना लगता है, बाइक कितने पर जाती है, मतलब टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, सारी डिटेल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस सबसे पहले अपन फाइनेंस करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस ब्रांड से। यहाँ पर आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट 5 लगते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 5 है। पहली चीज़ है आधार, दूसरी चीज़ है पैन, तीसरी चीज़ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, चौथी चीज़ है लाइट बिल और पांचवी चीज़ रहेगी अपनी बैंक पासबुक। और यहाँ पर जो बैंक है आपको बैंक नेशनल लगेगी, नॉर्मल बैंक से नहीं होगा क्योंकि रिक्वायर्ड बैंक यहाँ पर देखने को मिलती है एवरी नेशनल बैंक। आप कोई भी नेशनल बैंक से खाता लेकर आओ, आराम से यहाँ पर आपकी बाइक फाइनेंस हो जाएगी। मतलब आप कोई भी बाइक ले लो, फाइनेंस आपको मिल जाएगा हर एक नेशनल बैंक से। यहाँ पर अब बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो एनुअली 10% का इंटरेस्ट मिलता है आपको श्रीराम फाइनेंस की तरफ से। कोई भी बाइक लो आप, अगर और महंगी लेंगे बाइक, स्पोर्ट्स बाइक में थोड़ा कम रहता है इंटरेस्ट रेट, पता नहीं क्यों लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में थोड़ा कम रहता है इंटरेस्ट। अगर आपको लेना है तो आप विजिट कर सकते हैं, बजाज शोरूम पर है अवेलेबल अभी भी। अब बात करें पल्सर 150 की डाउन पेमेंट, मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट और दूसरे चीज़ों की। सबसे पहले तो आपको बता दूँ 137,000 इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है सिंगल डिस्क वेरिएंट की। दो वेरिएंट आते हैं, एक है डुअल डिस्क, एक है सिंगल डिस्क। आज अपन बात करने वाले हैं सिंगल डिस्क वेरिएंट की। तो यहाँ पर 137,000 ऑन रोड और यहाँ पर इसकी डाउन पेमेंट मिनिमम हो सकती है 40,000 रुपये की। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप 35,000 की भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें मेन चीज़ की तो 40,000 से चलेंगे। यहाँ पर 2 साल का अपने को करना है टोटल, मतलब ईएमआई 2 साल का ईएमआई करने जाए तो यहाँ पर एक हफ्ता पड़ता है। 40,000 की डाउन पेमेंट पहले दी थी, अब यहाँ पर एक हफ्ता है 5530 रुपये का, 5530 रुपीज़ और 24 हफ्ते हो गए, मतलब 24 ईएमआई है यहाँ पर इंटू 24, तो 132,000 तो इसका ईएमआई का जाने वाला है प्लस 40,000 डाउन पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आता है 172,720 रुपये का टोटल आया। तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा इसकी ऑन रोड प्राइस, माइनस होंगे 137,000 रुपये, 35,720 रुपये इसका इंटरेस्ट जाने वाला है अगर आप 2 साल की ईएमआई कराते हैं तब। यहाँ पर इसका ईएमआई है, मतलब इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट जाने वाला है 35,720 अगर आप 2 साल की ईएमआई कराते हैं तब। अब चलते हैं 30 हफ्तों का, मतलब 30 ईएमआई कराना है, 2.5 साल का ईएमआई, 2.5 ईयर्स का ईएमआई कराएं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ डाउन पेमेंट 40,000 ही रखी है हमने और यहाँ पर जो ईएमआई पड़ेगी मंथली 4,700 रुपये पर मंथ पड़ेगी ईएमआई इनटू 30, 181,000 इसका पूरा प्राइस जाने वाला है। माइनस अपन करेंगे इसके ऑन रोड प्राइस 137,000 रुपये, 44,000 रुपये इंटरेस्ट जाने वाला है अगर आप 3 साल का ईएमआई कराते हैं तब, और 181,000 इसकी पूरी प्राइस, मतलब पूरे पैसे उतने जाने वाले हैं। अब चलते हैं 3 साल की तरफ, 36 हफ्ते, 40,000 है डीपी। अब ईएमआई करने वाले हैं 3 साल की, तो यहाँ पर 4,150 रुपये का आपका होगा एक महीने का ईएमआई इनटू 36, टोटल अमाउंट जाने वाली है 1,00,000, देख सकते हैं 1,90,400 रुपये टोटल आपकी अमाउंट जाने वाली है अगर आप 3 साल का ईएमआई कराते हैं तब 40,000 की डाउन पेमेंट पर। अब इसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे अपन, 52,400 रुपये आपका इंटरेस्ट जाने वाला है अगर आप 3 साल का ईएमआई कराते हैं पल्सर 150 खरीदने पर। 40,000 की डाउन पेमेंट का मैंने आपको लॉन्ग ईएमआई बता दिया। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहली बात यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में आपका चेक जल्दी बाउंस नहीं होता, जो कि मैंने देखा है HDFC या दूसरे TVS होते हैं या फिर अपना बजाज फाइनेंस हो गया, उधर थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन श्रीराम में ये सब चीज़ें नहीं रहती। और अगर अपन बात करें क्रेडिट स्कोर की, अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर आता है तो 35,000 तक आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने 40,000 का बताया आपको और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 2 साल का कराएंगे तो 35,000 रुपये एक्स्ट्रा जाने वाले हैं, 3 साल का कराते तो 52,400 रुपये इंटरेस्ट जाने वाला था, अगर अपन 30 हफ्तों का कराते हैं ईएमआई तो 44,000 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जाने वाला है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आ गई, 24 हफ्तों में भी आपके 35,720 रुपये जाने वाले हैं और 30 हफ्तों में आपके 44,000 जाने वाले हैं इंटरेस्ट और 36 हफ्तों में लगभग 52,000 रुपये कुछ जाने वाले हैं। तो गाइस आपको आज के ईएमआई कैसे लगे और श्रीराम फाइनेंस की सर्विस, वो तो मेरे को पता है अच्छी है,
लेकिन आपको श्रीराम फाइनेंस से ये सब देखने को मिलता है, क्राइटेरिया क्या क्या लगेगा मैंने बताया आपको। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।